दोस्तों आज की वीडियो में हम एक मज़ेदार प्रोडक्ट को जो है हम अनबॉक्स करने वाले हैं, उसको चेक करने वाले हैं क्या वो जिस प्राइस रेंज में आता है वो आपको परचेज़ करना चाहिए नहीं, क्या वो अच्छी क्वालिटी में आता है, क्या ये सच में एक एंटरटेनिंग प्रोडक्ट है या एक मज़ेदार प्रोडक्ट है या कोई काम आ सकता है नहीं। दोस्तों ये है एक USB पोर्टेबल फ़ैन, तो इसी को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कैसा है दोस्तों अंदर से, क्या आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए सिग्नेश करते हैं, करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या मिलता है अंदर। तो यहाँ पर हमारी जो ये माइक्रो USB केबल हमें दोस्तों देखने को मिल जाती है, USB to micro USB। इसके अलावा हमारा ये फ़ैन यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है हमें, और कुछ बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है दोस्तों। तो हमारे फ़ैन को बाहर निकालते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप का फ़ैन दोस्तों हमें देखने को मिलता है रखा हुआ। तो फर्स्ट लुक में तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है, वाइट कलर भी अच्छा लग रहा है। ओवरव्यू की बात करूं तो आपको यहां पर ये इसका माइक्रो USB जो है पोर्ट मिल जाता है चार्ज करने के लिए, और यहां पर इसकी जो है बैटरी रखी मिल जाती है, 1800 mAh की बैटरी दोस्तों यहां पर दी गई है, और ये नॉइजलेस है, नॉइज़ क्रिएट नहीं करता जब ये चलता है। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग है, मैं इसको यूज़ करके आपको बताता हूं सामने से कि कैसा है ये यूज़ करने में और क्या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस फ़ैन को ना मैंने यूज़ तो कर लिया, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ किस टाइप से इसको ऑपरेट करना है। ये जो इस टाइप से आपको बंद मिल रहा है, आपको क्या करना है, इसको ऐसे खींचना है और ये यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से ओपन हो जाता है और ये यहाँ पर फिट हो जाता है। इसका जो नीचे बेस है यहाँ पर रखेंगे तो ये बेस इस तरह से सेट हो जाता है। तो ये जो इसका फेस है इसको आप रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे, यानी अगर आप ऐसे रखते हैं तो मैं इसको अपने फेस की तरफ ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, मूव करने के लिए इसमें मूवेबल ऑप्शन दिया गया ताकि आप मूव कर सकें। बहुत स्टिफ रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि मूव कर पाता है, तो अभी तक के लिए ये अच्छी चीज़ है। आगे बात करेंगे कि यूज़ करने में कैसा है, कुछ काम का है भी या नहीं। तो इसके अलावा और एक फंक्शन है इसके अंदर, आप जो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको जो है इसको खींच के ऐसे, ये इस तरह से इसको ओपन बंद हो जाता है इस तरह से, तो लेंथ आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं अगर करूँ तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ। तो बटन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए पावर बटन दिया गया इसके पास में, इसको प्रेस करूँगा ये एक नंबर, दोबारा प्रेस करूँगा दो, दोबारा प्रेस करूँगा तीन। तो अगर मैं एक नंबर पर इसकी हवा चेक करूँ, मैं अपने पास दोस्तों इसको रख के कि ढंग से हवा देता है या नहीं देता है, इधर रख लेता हूँ तो देखता हूँ एक बार। तो ये एक नंबर पे है, ठीक ठाक हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। सेकंड, थर्ड नंबर दोस्तों, जैसा कि कंपनी ने कहा कि नॉइज़ तो नहीं है इसके अंदर, आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ही माइनर सी हल्की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर तो पास हो जाता है, कंपनी ने बोला आवाज़ नहीं है तो आवाज़ नहीं है। और अगर मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ तो बिल्ड थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये दब रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, हालांकि टूटेगा नहीं इतनी ईजिली लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, फिर भी मैंने आपको बताना था बता दिया। और इसके अलावा बैटरी की बात करूँ, बैटरी लगभग इसकी जो है 3 घंटे के करीब आपकी बैटरी चल जाएगी फुल अगर चार्ज करेंगे तो अगर कंटिन्यू चलाएंगे तो 3 घंटे के आसपास आपकी बैटरी चलेगी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं कि बहुत लॉन्ग आपकी बैटरी चलेगी। तो अब अगर बात करूँ इसको आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं, दोस्तों देखिए इसका प्राइस लगभग जो है 1000 रुपये, 1100-1200 इस तरह से ये फ़ैन आते हैं, तो इतना ही इसका प्राइस है। तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, फ़न के लिए आप इसको परचेज़ कर सकते हैं कि घर में हाँ थोड़े फ़न गैजेट्स इकट्ठे हो जाएँ, बच्चे हैं तो खेल ले, और कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए आप इसको थोड़ा बहुत जो है ऑन करके रख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हवा नहीं आ रही है, बट आपको इतना पास रखना पड़ेगा और उसके सामने ऐसे बैठा रहना पड़ेगा, थोड़ा अगर दूर करेंगे तो आपको हवा नहीं आएगी, वो फैल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और सिंगल पर्सन के लिए है, दो बंदों के लिए भी नहीं है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो फ़न के लिए डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है इस फ़ैन को लेके, इसके रिव्यू को लेके। तो आई होप इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको परचेज करें या नहीं। फिर भी अगर करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अमेजन से इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसी तरह के मज़ेदार प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग चाहिए, इनके बारे में जानना हो, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस तरह के जो प्रोडक्ट्स की। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई सजेशन हो इस टाइप के और प्रोडक्ट की, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ नए नए गैजेट्स जो अमेज़न पर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।